त्योहारी सीजन के चलते सुजानपुर प्रशासन ने व्यापारी वर्ग के साथ साथ सुजानपुर पहुंचने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर जारी की है। मतलब आगामी 16 नवंबर तक शहर में वाहन पार्किंग की व्यवस्था मध्य मैदान में होगी। किसी भी तरह की गाड़ियां मुख्य बाजार, बस स्टैंड यहां वहां खड़ी नहीं होंगी। सुजानपुर प्रशासन ने नगर परिषद सुजानपुर को मैदान के एक तरफ पार्किंग बनाने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि शहर में पहुंचने वालों को वाहन पार्किंग की सुविधा मिल सके। ये सुविधा पूरी तरह निशुल्क रहेगी। दोपहिया वाहनों से लेकर बड़े वाहन तमाम गाड़ियां जो शहर में इस त्योहारी सीजन पर खरीदारी करने के लिए आएंगे, उनके वाहन चिन्हित स्थान मध्य चौगान में पार्क होंगे। इसके साथ साथ व्यापारी वर्ग जो इस त्योहारी सीजन पर व्यापार करना चाहता है और जो स्थानीय दुकानदार हैं, वे अपनी दुकानदारी चिन्हित स्थान पर लगा सकते हैं। दुकानों के बाहर उतना ही सामान सजाएं जिसमें किसी और को परेशानी ना हो। आपातकाल की स्थिति में रोगी वाहन, दमकल वाहन बाजार में प्रवेश कर सकें। बताते चलें कि नगर परिषद सुजानपुर के अध्यक्ष अशोक मेहरा, उपाध्यक्ष कमलेश कुमारी, पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान वार्ड पार्षद रमन भटनागर, मनोनीत पार्षद सुधीर भटनागर की अगुवाई में एक मंडल उपमंडल अधिकारी सुजानपुर से संबंधित समस्याओं के निदान को लेकर मिला था और मांग रखी थी कि त्योहारी सीजन पर व्यापारी वर्ग को राहत दी जाए, वाहन पार्किंग की सुविधा दी जाए। तमाम बातों को उपमंडलाधिकारी ने मानते हुए ये राहत शहर के लोगों के साथ साथ व्यापारी वर्ग यहां पर आने वाले ग्राहकों को दी है। उत्तर पूर्व अध्यक्ष रमन भटनागर ने बताया कि 16 नवंबर तक जब तक त्योहारी सीजन चलता है, गाड़ियां मध्य मैदान जहां पर चिन्हित स्थान बनाया गया है वहां पर पार्क होंगी। मनोनीत पार्षद सुधीर भटनागर ने बताया कि बाजार में उतना ही सामान सजाएं जितना लोगों को सुविधा दे सके। कोविड-19 की पूरी तरह पालना करें, मास्क पहनना सुनिश्चित करें। कल नगर परिषद के प्रधान, उप प्रधान, मेंबर सब जो है एसडीएम साहब से मिलने के और मांग रखी कि अभी त्यौहार जो चले दिवाली तक करवा चौथ जैसे दुकानदारों को स्पेशल छूट दी जाए कि वो अपनी दुकानदारी कर सके और किसी के भी चालान ना किए जाए। और जो पार्किंग की समस्या रहती थी, हमने मांग रखी उसमें ग्राउंड में जो है पार्किंग ग्राउंड में लगाई जाए, वो मैडम ने मानो आज उन्होंने आदेश दे दिए हैं। क्योंकि कोविड-19 में जो गरीब तबका था, खासकर दुकानदार भाई, उनको बहुत घाटा पड़ा है। जैसे होली में उन्होंने अंदर प्लाट लिए थे, कर्जे देकर लिए थे, उनको घाटा पड़ा था। तो हमने मैडम से यही कहा कि उनको मंजे के वगैरह लगाने की सुविधा दी जाए सिर्फ दिवालियों तक, जिससे जो गरीब भाई है रोटी खा सके, अपने कर्जे उतार सके। और ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी है कि मास्क भी लगाना है, सैनिटाइज भी करना है, कोरोना से भी बचना है, पर साथ साथ में एक जो है अपना व्यापार भी चलाना है और अर्थव्यवस्था को भी सुधारना है। तो अर्थव्यवस्था तभी सुधरेगी जब दुकानदारों की दुकानदारी चलेगी और गरीब जनता को कम से कम कमाने, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का मौका दिया जाएगा।